साथियों, मैं विजय पाटनी, मोटिवेशनल स्पीकर और एक टीचर। दोस्तों, आज हमारे बीच है नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर योगेंद्र जी शर्मा। जैसे कि आज हम इनसे जानेंगे, मैंने इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, इनवाइट किया। तो योगेंद्र जी, तो आपका इंट्रोडक्शन तो मैंने कर दिया है, आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम करते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कन्फ्यूज रहते हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई को लेकर। तो योगेंद्र जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आप कैसे काम कर रहे हैं? क्यों ठाना कि मैं बच्चों को मोटिवेट करूँ? ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए, हमारे समाज में मेरे को ये लगता था कि कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेज अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो काम करते हुए भी बच्चों तक, उनके दिल तक, उनके दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, एजुकेशन अच्छी हो रही है, सारा काम अच्छा हो रहा है, बट जो उनकी फीलिंग्स है उनको कोई नहीं समझ पा रहा था कि बच्चे क्या चाहते हैं। बस वो सिर्फ ये चाहते थे कि हम इनको पढ़ाएं, इनको सिखाएं, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स को कौन क्या करना चाहता है। और ये मैंने नोटिस किया, क्योंकि सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पार्थ ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से मेरा इंस्टीट्यूशन 10 साल के लिए मैंने चलाया, और उससे मैंने एक्सपीरियंस लिया कि बच्चे रियलिटी में चाहते क्या हैं, और उस पर मैंने वर्क किया। और वर्क करने के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि बच्चों की फीलिंग्स तो कुछ अलग ही है, वो कुछ अलग ही चाहते हैं, उनके सपने कुछ और ही है, लेकिन उन सपनों के बारे में ना तो उनके गार्जियन बात कर पा रहे हैं, ना उनके टीचर्स उनसे बात कर पा रहे हैं, सिर्फ उनको पढ़ो 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 वाली फीलिंग्स उनको दी जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों की हेल्प के लिए मैंने ये सोचा कि हम कहीं ना कहीं इस काम पे, इसके लिए काम करें कि जो बच्चे जो हैं वो बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए वर्क कर पाएँ। जैसे कि विवेकानंद ने कभी सोचा था कि हमें यूथ के लिए वर्क करना है, युवाओं के लिए काम करना है। आपने सुना होगा कि या देखा भी होगा, सर हमारा जो यूथ है, इंडिया में जो यूथ है, अच्छा, वो बेरोजगारी से काफ़ी भटक रहा है, और बेरोजगारी के कारण उसके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। अगर उसकी बेरोजगारी ख़त्म करने पर हम लोग फोकस करवाएँ, उसको एक ऐसी मैंटेलिटी, ऐसी सोच दे पाए कि तू कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ करके और बहुत बड़ा नाम अपना इंडिया के अंदर कर सकता है, तो हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। तो विवेकानंद ने ये प्रयास किया था, और इसीलिए मैंने खुद ने आगे बढ़कर ये प्रयास करने की कोशिश की। ठीक है, तो सर हर दिन मोटिवेट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट को? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर हम दिन भर मोटिवेट कैसे रहें, या फिर डेली मोटिवेट कैसे रहें, तो ये मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है और डेली मोटिवेट कैसे हो सकता है बंदा? सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सिटी की जो लाइफ है वो कुछ अलग हो गई। आपने देखा होगा गाँव में कोई बच्चा, जून का महीना है, उस जून के महीने के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उस क्रिकेट खेलने के लिए उसको उसके फ्रेंड लेके जाते हैं, उस टाइम उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो भूखा होगा तो भी चला जाएगा, पानी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मोटिवेशन उसको वहाँ भी चाहिए, लेकिन वहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं देश के युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आप ऐसा काम ढूंढने की कोशिश करिए जिसको करने पर आपको भूख लग रही हो तो वो महसूस नहीं होती। आप ऐसा काम ढूंढने की कोशिश करिए जिसको करते हुए आप दुनिया को भूल जाते हो। आप ऐसा काम ढूंढने की कोशिश कीजिए अपने अंदर जिसको कर रहे हो तो करते करते आपको प्यास नहीं लगती। क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ के प्रति हो सकता है, तो वो इंटरेस्ट अगर आपका है तो उस इंटरेस्ट के लिए अगर आप काम करते हो तो आप दुनिया को भूल जाते हो, और जो मोटिवेशन मिलता है तो वो आपकी फेवरेट जो है, जिसको आप दिल से करना चाहते हो, उसका मोटिवेशन मिलता है, और उसके लिए आप हमेशा मोटिवेट रहते हो। तो सर ये बात तो सही है, मानता हूँ चीज़ को मैं, लेकिन सर स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कोई भी कोचिंग ज्वाइन की मान लो, 2 महीने तक तो क्या मोटिवेट रहते हैं कि मुझे ये करना ही है, मुझे एग्जाम देना ही है, सिलेक्शन पाना है, लेकिन 2 महीने बाद में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्या रीज़न है कि वो 2 महीने बाद में डिमोटिवेट हो जाते हैं? उसका कारण है सर, मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका हूँ इसके बारे में, उनका जो टारगेट होता है, जैसे मान लो सपोज करो किसी बंदे को आईएएस बनना है, तो उसको कोई भी सेमिनार में ले गए, वहाँ वो मोटिवेट हो गया, लेकिन वो डीमोटिवेट इसलिए हो जाता है कि वो उस लक्ष्य के प्रति पागलपन नहीं होता उसके अंदर। इसलिए मैं फिर से बोलना चाहूँगा आपको वही बात कि ऐसा सपना अपने अंदर से ढूंढने की कोशिश करो जिसके लिए आप सब कुछ भूल जाओ, जिसको दुनिया को भूल जाओ, फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता है वो इसलिए करता है,
मेरा दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, ये हैं वो हैं, उनके साथ मुझे कोचिंग्स करनी है, और इसी कारण वो कोचिंग करने के लिए जाता है। और कभी उसकी फ्रेंड अगर नहीं जाती तो वो खुद भी नहीं जाती, या स्टूडेंट अगर उसका दोस्त नहीं जाता तो वो भी नहीं जाता। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो उनके उनके रास्ते पे चलेगा, उनका लक्ष्य अलग है, उनके फ्रेंड्स का लक्ष्य अलग है, उनका टारगेट अलग है, तो वो डिमोटिवेट होना ही होना है सर। तो सर वो बात सही है, लेकिन आप देखते हो मोटिवेट हो जाते हैं तो उस गोल पे काम नहीं कर पाते, फिर वो उनका गोल सेट नहीं हो पाता है। मोटिवेट है वो, ऑलरेडी मोटिवेट है, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हज़ारों वीडियोस देखेंगे, वो मोटिवेट भी हो जाएंगे, लेकिन उनका गोल भी सेट नहीं हो पाता फिर। सर देखिए, मैं आपको फिर से वही बताना चाहूँगा कि देखिए, गोल किसका सेट होगा, मैं ये मानता हूँ आपके दिल में आपको लग रहा है मैं चाय अच्छी बना सकता हूँ, सब लोग मेरी चाय की तारीफ करते हैं और मेरे को चाय अच्छी बनानी आती है और मैं चाय बनाता हूँ, जब मैं दुनिया को सब कुछ भूल जाता हूँ और दुनिया को जब भूलता हूँ तो मैं चाय में ही मेरा ध्यान होता है, तो आप चाय की होटल लगा लीजिए, आप उससे भी ग्रोथ कर जाओगे सर। क्योंकि मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता सर, वो मोटिवेशन अंदर से मिलता है, अंदर से मिलता है, और इंटरनल मोटिवेशन जब मिलेगा तब आपके दिल की चीज़ जो होगी खुद पर काम करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा इन्होंने समझाया है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आप काम कर रहे हो तो आपको कितने साल हो गए इसको करते हुए? सर मैं एक्चुअल में मैं इंस्पायर हूँ विवेक बिंद्रा सर से, और इंस्पायर हूँ संदीप माहेश्वरी सर से, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, और मैं भी चाहता हूँ, मैंने कुछ विजन्स बनाए हुए हैं मेरी लाइफ में, कुछ टारगेट मैंने अचीव करने के बारे में सोचा हुआ है और उन पे मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने ये पिछले 4 सालों से मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन फुलफिल तरीके से मैं इसको अभी करने लगा हूँ 6 महीने से। उसका कारण ये है कि सर पता है विजन क्या होता है, फोकस क्या होता है, ड्रीम्स क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा एक इंस्टीट्यूट था सर, उसको मैंने 30-40 लाख रुपए लगा के इंस्टीट्यूट बनाया, चलाया, सब कुछ किया, अच्छी अर्निंग में उससे करता था, लेकिन मेरा विजन कुछ अलग था, मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि मैं उससे अंदर से मोटिवेट नहीं हो पा रहा था उस काम की वजह से। लेकिन मैंने अपने अंदर ढूंढा कि मुझे किस चीज़ के अंदर मोटिवेशन अच्छा मिलेगा, किस चीज़ से मैं मोटिवेट हमेशा के लिए रह सकता हूँ, तो मैंने उसके लिए उसको बंद भी कर दिया, बंद करके ताला लगा के जयपुर आ गया हूँ, और यहाँ से मैं अपने आप को इस लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ। सही बात है सर, लेकिन स्टूडेंट्स का गोल भी सेट हो गया, वो मोटिवेट भी हो गए, तो कब तक वो मोटिवेशन रहेगा उनके अंदर? 1-2 साल में तो सर सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे बंदा IAS की तैयारी कर रहा है, कम से कम उसको 2-2.5 साल चाहिए, और 2-2.5 साल में वो डिमोटिवेट होता ही है। नहीं सर, परमानेंट वो मोटिवेट कैसे रह सकता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी, और मेरे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि हम परमानेंटली मोटिवेट कैसे रहेंगे, हमें मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा वो क्या करें? नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको जो है उसके लिए फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि वाकई में आप जिस काम को कर रहे हो क्या उसके लिए बने हो, या अपने अंदर की फीलिंग्स को उसके लिए बनाना चाहिए। रेगुलर मोटिवेट जो रहेगा वो खुद से रहेगा। अगर अपने आप से खुद मोटिवेट हो रहा है आदमी, खुद इंसान अपने आप से मोटिवेट हो रहा है, तो वो कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता, है ना। और अगर किसी के वीडियो देखने के बाद अगर मोटिवेट हो रहा है तो सर वो मोटिवेशन नहीं होता, वो एज अ टेम्परेरी मोटिवेशनल मोटिवेशन होता है, लेकिन परमानेंटली मोटिवेशन के लिए इंटरनल पावर चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी खुद पर, काफ़ी बुक्स पढ़नी पड़ेगी आपको, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी खुद पर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स अपने टारगेट को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि यदि मैं सरकारी नौकरी नहीं लग पाया तो मैं आगे क्या करूँगा, मतलब पूरी तरह से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनके लिए कुछ बोलिए आप, बताइए उन्हें कुछ। देखिए सर, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं इंडिया के लोगों को यही बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, मुझे अच्छा लगा कि डिफ्रेंस में आ जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, कई सारे स्टूडेंट इतने डिफ्रेंस हो जाते हैं कि वो अपने आप के साथ कुछ गलत करने का सोचते हैं। मैं उनको एक ही बात बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या होगी, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ सबसे बड़ी बात करना चाहूँगा, सक्सेस होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए। अगर
अगर पागल नहीं हो आप किसी वर्क के प्रति, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक पागलपन ऐसा होना चाहिए कि सारी पूरी दुनिया हिल कर रख जाए, क्योंकि जो इंसान पागल होता है ना किसी सपने के लिए, वही सक्सेस होता है। अगर आप अपने सपने को पाना चाहते हो ना, अगर सपने आप पाना ही चाहते हो, तो खुद को जानना स्टार्ट कर दिए। हम पूरी दुनिया को जान पा रहे हैं, लोग पूरी दुनिया को जान पा रहे हैं, ये वो है, ये वो है, वो है। आज से आप 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अपने आप की आंखें बंद करके बैठिए। मेरा वजूद क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, आपके आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका मोटिवेशन आपको अंदर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा।